हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम आए हुए हैं, एक पपीते की खेती की हुई है यहाँ पे। हालांकि प्लांट्स यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे समझने की कि एग्जैक्टली ये कौन सी वैरायटी है और क्या क्या तैयारियाँ की हैं इन्होंने इस चीज़ को लगाने के लिए। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ जो यहाँ के केयर टेकर हैं उनसे, और आगे की बात करते हैं। तो चलिए आइए। सर्वेश जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया और यहाँ पे आपने हमें बुलाया ये आपका प्लांट बगीचा दिखाने के लिए। तो हम चीज़ों को समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको, कहाँ से लगा कि आपको पपीते की खेती करनी चाहिए। और जैसा हमारी आपकी बात हो रही थी कि आप कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देते हैं, तो एक छोटा सा आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। सर, मेरा नाम सर्वेश कुमार शुक्ला है, दहला मऊ प्रतापगढ़ का मैं निवासी हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने पपीते की खेती की हुई थी, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि ये खेती करने के लिए, तो वो मैंने ऐसे शुरू किया। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो आप कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, आप बता रहे थे। जी हाँ, कंसल्टेंसी से आप कोई पपीते की खेती करना चाहते हैं, आपको जो भी जानकारी चाहिए या जो भी पपीते में जो डिसीज़ वगैरह आते हैं उनकी मेडिसिन क्या लगती है क्या, अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्लांट की फ़ोटो वगैरह भेज के आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं कंसल्टेंसी एकदम फ्री देता हूँ। अच्छा, कंसल्टेंसी आप फ्री देते हैं? फ्री देता हूँ। एक्सीलेंट। सो गाइज, ये एक बढ़िया मौका है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर रहे हो, आप सोच रहे हो पपीते की खेती करने के लिए, तो सर्वेश भाई एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। आप इनको फ़ोन कर सकते हो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप जो भी डिस्कस करना हो डिस्कस कर सकते हो। तो प्लांट वगैरह भी आप प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, हम प्लांट भी प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन सी वैरायटी के प्लांट आप प्रोवाइड करते हैं यहाँ? फिलहाल अभी दो ही वैरायटी है, एक कैलिना 9 है और रेड लेडी टाइमन 786। प्लांट अगर किसी को ऑर्डर करना हो मेरे व्यूवर्स को, तो क्या वो डिलीवरी अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी भारत में है या सिर्फ इस नहीं, जगह अभी पे? सर फिलहाल तो फिर पूरे यूपी में प्लांट का जो डिलीवरी है ना, मैं पूरे यूपी में कर सकता हूँ। अच्छा, यूपी के बाहर नहीं। अच्छा अच्छा। और कंसल्टेंसी सर्विस हम लोग फिलहाल प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो कंसल्टेंसी सर्विस आप सिर्फ इस ज़िले के लिए अभी स्टार्ट किए हैं या कि कहीं भी? देखिए, प्रतापगढ़ ज़िले में रहेगा तो मैं पर्सनली फॉर्म पे विजिट करके मैं उनको जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं उसका मेडिसिन वगैरह मैं दे सकता हूँ। बट अगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर है तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि मतलब व्हाट्सअप में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उस पर मुझे फ़ोटो खींच के भेजेंगे और जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए, उसका जो भी निवारण होगा मेडिसिन वगैरह हम आपको बता देंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो गाइज, बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा व्यू दे देता हूं कि ये जो जिस पपीते के बाग में हम खड़े हैं वहां का क्या स्टेटस है, पपीते कितने बड़े हैं, उस चीज़ों को एक बार मैं आपको दिखा दूं, फिर हम आगे की बातचीत आगे रखेंगे। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, कंटेंट आपको लग रहा है वैल्यूएबल है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने देखा प्लांट का जो स्टेटस है, तो चलिए सर्वेश जी से समझते हैं कि खेत की तैयारी में क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सर्वेश जी, खेत की तैयारी के लिए शुरू से मतलब क्या ज़रूरत है, वो थोड़ा समझाइए। सर देखिए, खेत की तैयारी जैसे हम आम फसल के लिए जैसे तैयारी करते हैं, उसे पपीते की खेती के लिए भी तैयारी करना पड़ता है। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ तो पपीते की खेती के लिए है, वो खेत ऐसा चुनना चाहिए सर कि जहाँ पे पानी नहीं रुकता हो। जी। जिस खेत में पानी रुकता होगा
या पानी बारिश होने के बाद में पानी एक दिन दो दिन ठहरता है तो उस क्षेत्र में पपीते का प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी जो होता है वो पपीते की खेती के लिए बहुत हानिकारक होता है अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट कैसा होता है, जो आप इसको तो दोमट मिट्टी चिकनी मिट्टी में भी कर सकते हैं, बट पानी का निकास प्रॉपर होना चाहिए। प्लांटेशन करने के पहले सर खेत को अच्छी तरह से एक तो जुताई कर लेना चाहिए, जैसे गोबर की खाद हुई उसमें डाइकोडर्मा मिला के खेत में छींट के खेत तैयार करना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। और बेड पपीते की प्लांट हमेशा बेड के ऊपर ही लगाना चाहिए। आप रिकमेंड क्या कर सकते हैं, जो प्लांट से प्लांट की दूरी और बेड से बेड की दूरी है वो लगभग कितना होना चाहिए, एक जो स्टैंडर्ड? देखिए, आप अगर मल्टीपल क्रॉप नहीं करना चाहते हैं खेत में तो आप पेड़ से पेड़ की दूरी मिनिमम कम से कम 6 फीट रखिए, और पेड़ से पेड़ की दूरी है जो वो 7 फीट। मल्टीपल बहुत सारी खेतियां, जैसे इसमें कुछ और तरीके की खेती करना हो तो किस तरीके की खेती, क्या खेती है जो पपीते के साथ की जा सकती है, जो पपीते को पौधों को नुकसान न पहुंचाती हो, ऐसे एक दो अगर आप बताना चाहें। सर, पपीते की खेती के साथ में जो सह खेती बोलते हैं, कंद वाली कोई भी फसल कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि शलजम हुआ, गाजर हुआ, और ये क्या अपना हल्दी का खेती हुआ, अदरक का हुआ, ये 4-5 क्रॉप है, ये आराम से कर सकते हैं। और इसके साथ में गेंदे के फूल की भी खेती कर सकते हैं। अच्छा। गेंदे के फूल की खेती और हल्दी की खेती सबसे ज्यादा सफिशियंट होता है पपीते की खेती के लिए। तो क्या ये प्लांट लगाने से पहले यहाँ पे जब आप मिट्टी खोदेंगे तो उसमें भी कुछ डालना या मिलाना पड़ता है, दवा वगैरह, या सिर्फ लगा देते हैं? देखिए, उसके लिए सर क्या होता है, इसमें पौधे आधा से 1 किलो गोबर की पकी हुई खाद, कच्ची खाद नहीं डालना है। कच्ची खाद में गर्मी ज्यादा होती है, उससे पौधे गलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो पकी हुई गोबर की खाद, और पर प्लांट अगर हो सके ना तो 25-50 ग्राम नीम की खली मिला के आप उसमें गड्ढा बनाइए, तो उसमें डाल दीजिए 1 से 1.5 किलो गोबर की खाद और ज्यादा से 40 से 50 ग्राम नीम की खली, और गड्ढे बना के उसमें एक दिन पहले सब पे डाल दीजिए, उसमें 1/2 से 1 लीटर पानी डाल के छोड़ दीजिए, और सेकेंड डे उसमें आप प्लांट लगा दीजिए। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर लोग सोचते हैं और पूछते हैं, समय कौन सा बेहतर है पपीते की खेती करने के लिए, समय कौन सा बेहतर है, किस समय में प्लांटेशन करना चाहिए? सर, समय की बात करें तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पपीते की खेती के प्लांटेशन के लिए जो टाइम है वो सबसे सितंबर, 15 सितंबर से लेकर लास्ट अक्टूबर तक प्लांटेशन करना चाहिए। अक्टूबर के बाद में प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। और अगर हम गर्मियों का सीजन की बात करें तो हमको 15 फरवरी से लेकर मार्च लास्ट तक, या ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमारे प्लांट खेत में लग जाने चाहिए। उसका फायदा क्या होता है कि अगर हम 15 सितंबर के बाद में प्लांटेशन करते हैं खेत में, तो ठंडी अपने यहाँ नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, तो 1-1.5 महीने में पौधे ग्रोथ पकड़ लेते हैं और वो हेल्दी हो जाते हैं, तो वो मौसम की मार को वो झेल जाते हैं। जब ये पेड़ थोड़ा बड़े होते हैं तो इसमें बहुत तरीके की डिसीज लग जाती है, और कुछ स्टैंडर्ड मेडिसिन है जो हर महीने 2 महीने है ना देने की जरूरत? प्लांटेशन के 10-15 दिन का, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, प्लांटेशन करने के बाद में ना हर पौधे में कम से कम 1/2 से 1 लीटर पानी डालना जरूरी रहता है। जैसे आपने मेडिसिन की बात किया, पौधे लगाने के 15 दिन के बाद में साफ एक दवा आती है, फंगीसाइड साफ होती है, और वो एमपीके 19-19 घोल बना के पर पौधे साफ जो है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालना चाहिए, और जो एमपीके 19-19 है वो लगभग 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। जैसे 15 लीटर की टंकी होती है तो उसमें 50 ग्राम एनपीके और 3 से 4 ग्राम ये साफ मिला के स्प्रे करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एनपीके से पौधों को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, और वो साफ दवा एक ऐसी दवा, उससे जो फंगीसाइड वाला जो अपना मिली बग वगैरह आता है वो डिसीजेस कंट्रोल में रहते हैं।
क्योंकि छोटे पौधे में मिली बग वगैरह लगाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जी। तो अगर हम पहले से ट्रीटमेंट किए रहते हैं तो उनके रोग वगैरह के आने के चांसेस थोड़ा कम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो जब पौधे और बड़े हो जाते हैं और अगर उसमें कुछ मेजर, जो खासतौर पे जो प्रतापगढ़ का एरिया है या यूपी में अगर हम पकड़ लें, तो जो मेजर बीमारी है, जो कॉमन बीमारी हो, ज्यादा होती हो, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं या प्रोडक्शन कम हो जाता है, ऐसी कुछ चीज अगर आप शेयर करना चाहें। सर देखिए, जो पपीते में ना दो चीज की बीमारी मुख्यतः आती है। एक पर्ण संकुचन बोलते हैं, जिसमें पत्ते ऊपर जो नए पत्ते निकलते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, जिससे भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और एक लीफ कर्व वायरस होता है, वो फंगस टाइप के लगते हैं, तो वो हर पेड़ के अलग अलग रहते हैं। जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, आप फोटो खींचेंगे, वो मेडिसिन वगैरह पौधे की कंडीशन के ऊपर सर डिपेंड। एक एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है और इसमें अच्छा खासा हम कहें तो इन्वेस्ट भी हो जाता है, ये जो घास फूस है, ये ऑफकोर्स ये पूरे साल चलने वाली फसल है ना, तो उस दरमियान एक साल पूरा होने में इसमें बहुत सारी घास और ये फालतू चीज़ें उग जाती हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन, क्या हम कोई दवाएं स्प्रे कर सकते हैं जिससे ये घास जल जाए, वो रिकमेंडेड है क्या, या हमारे पौधों को नुकसान ना हो? देखिए, अभी घास फूस के लिए ना मार्केट में बहुत सारी दवाई आती है। जैसे एक आम पॉपुलर दवा है वो मीरा इकहत्तर, ज़्यादातर लोग घास फूस के लिए मीरा इकहत्तर यूज़ करते हैं। बट अगर आपके खेत में प्लांट लगे हुए, जैसे पपीते का पौधा बहुत नाजुक होता है, अगर कोई भी, चाहे मीरा इकहत्तर हो या कोई भी घर खरपतवार नाशक दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि आप प्लास्टिक के बकेट ले लीजिए, जो 4-5 लीटर के होते हैं, जो हम डस्टबिन जिसको बोल सकते हैं, 8-10 आप डिब्बे ले लीजिए। अगर आप खरपतवार नाशक कोई भी दवा आप यूज कर रहे हैं, तो उस डब्बे से पहले प्लांट को अच्छे से कवर कर दीजिए, उसके बाद में आप उसको यूज करिए। तो उससे क्या है, वो जो खरपतवार नाशक दवा रहेगी उसका असर प्लांट पे नहीं होता है। मल्चिंग एक बढ़िया ऑप्शन है मेरी समझ से, खरपतवार की दवाइयाँ डालने से, और आगे भी जो नमी मेंटेन रहे आपकी, आपने जो बेड बनाया है, तो मल्चिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? मल्चिंग तो खरपतवार के लिए रोकने के लिए सबसे अच्छा है, बस मल्चिंग वहाँ पे सर काम आती है जहाँ पे डीप एरिकेशन का सिस्टम है। हमारे यहाँ अभी उतने जागरूक किसान नहीं है, और डीप एरिकेशन में और मल्चिंग में कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो हम किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि पहले बिना मल्चिंग पेपर के अगर पपीते की खेती करने जा रहे हैं, तो पहले थोड़े क्वांटिटी में करें, उसका एक्सपीरियंस अनुभव लें, और फिर उसके बाद में उसको लार्ज स्केल पे करें। मल्चिंग तभी करें आप जब आपके पास में डीप एरिकेशन का, टपक पद्धति का, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो मल्चिंग सबसे बेस्ट है। अगर टपक व्यवस्था नहीं है तो हम यही कहेंगे कि आप नॉर्मल बेड पे ही पेड़ लगाएं, और उसमें थोड़ा लेबर कास्ट ज़्यादा आएगा, बट आपका नुकसान नहीं। कोई किसान चाहे कि मल्चिंग की जो पन्नी आती है वो कहाँ मिलेगी, और ड्रिप इरिगेशन का जो इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये चीज़ें हमारे यहाँ प्रतापगढ़ इलाहाबाद में अवेलेबल हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी है? सर मल्चिंग पेपर तो आपको इलाहाबाद में अपने कानपुर में हर जगह अवेलेबल हो जाता है। ड्रिप इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, अपना जो कृषि विभाग है आप वहाँ पे बात करके आप आवेदन कर सकते हैं। आई थिंक कि 60-70% सब्सिडी देती है, और जहाँ तक मेरा अनुभव है कि एक एकड़ के खेत में ड्रिप इरिगेशन के लिए अगर अच्छे से टपक वाले व्यवस्था की जाए तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, आपका सब्सिडी पास हो जाएगा, तो वही काम आपका 15-20 हज़ार रुपये में हो जाता है। एक्सीलेंट, तो एक बढ़िया ऑप्शन है, अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो आप अपने लोकल जो कृषि विभाग है आपके डिस्ट्रिक्ट में, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपको अगर 60-70% आपका बच रहा है, तो यार एक बड़ा अमाउंट आपका बच रहा है, हार्डली 15-20 हज़ार में एक एकड़ के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से लॉन्ग लाइफ चलता है ना, कितने साल वो चलता होगा लगभग? नहीं, वो ड्रिप इरिगेशन की जो पाइप होती है वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, किसी की 2 साल चलता है, 3 साल चलता है। एक और चीज, ये कौन सी वैरायटी है, ये मैं पूछना भूल गया आपसे। ये सर, ये IBP9 कलीना है। IBP9 कलीना है, और इसमें लगभग पर प्लांट प्रोडक्शन कितना आता होगा?
सर इसमें प्लांट पर प्लांट मिनिमम जो है अब 40 से लेके 90 किलो तक का कंपनी ने बोल के रखा है इतना होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपने देखभाल कैसे किया है, फर्टिगेशन कैसे किया है, प्रोडक्शन उसके ऊपर भी डिपेंड करता है जी। एक एक और वैरायटी है रेड लेडी 786 जी, उसका काफी इस वक्त प्रचलन में है, काफी किसान उस चीज की खेती कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा बेहतर होगा अगर कोई एक नया किसान है जो वीडियो देख रहा है और वो करना चाहता है तो फिर आप कौन सा रिकमेंड कर सकते, आप कौन सा सजेस्ट करते कि यार ये वाला कर लो ज्यादा बेहतर है। देखिए अगर आप पहली पहली बार पपीते की खेती कर रहे हैं और आपने कोई कंसल्टेंसी हायर नहीं किया है तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप रेड लेडी ही लगाएं, क्योंकि रेड लेडी जो है प्रचलन में बहुत है और मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है या कोई दिक्कत होती है तो मेडिसिन वगैरह जो कंसल्टेंसी के लिए हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट सर्वेज भाई हमारे पपीते के ऊपर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है, अगर आप सोच रहे हो पपीते की खेती करने के लिए और आपको कुछ शक है, कुछ डाउट है ये कैसे होगा वो कैसे होगा या आपको प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे या आपको सीड की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कुछ भी आपके मन में सवाल है तो वो सारी चीज़ें आप सर्विस भाई को कॉल करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, अगर आपको प्लांट खरीदना है तो भी आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सेलिंग एक बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, अगर आप मार्केट में जाते हो, मंडी जाते हो, मेरे व्यूवर्स ने उस वीडियो को भी देखा है जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यार जो मंडी में लोग हैं परचेज करने वाले वो आसानी से परचेज नहीं करते, बहुत किसान चीज़ों को प्रोडक्शन पैदा कर लेता है लेकिन जब उसको अच्छा रेट नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा क्या है इतना इन्वेस्ट करके इतनी मेहनत करके, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन कुछ आपके दिमाग में ताकि एक अच्छा रिटर्न मिल सके। देखिए आज तो टेक्निकल का ज़माना है, पहली चीज़ तो देखिए अगर आप अपना प्रोडक्ट खुद सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर आप किसी के थ्रू अगर अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो जो भाव आपको मिलना चाहिए वो भाव आपको नहीं मिलेगा। आजकल क्या है कि पहली तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो लोकल मार्केट है जैसे जो व्यापारी जो वगैरह है आप उनसे एक बार कंसल्ट करिए, आप उनसे कंसल्ट करेंगे वो आपके बाग में ही आके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रूट्स खरीद के लेके जाते हैं। बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि माल ज़्यादा हो जाता है तो नहीं बिकता है, आपके पेड़ में ही लगे। आज बहुत सारी साइटें हैं ऑनलाइन है, एक जैसे इंडिया मार्ट वगैरह है, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे हैं कि वो आपके प्रोडक्ट्स को सेल करने में भी मदद करते हैं, तो आप उसमें डाल के आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है आप वहाँ पे आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। व्यापारी लोग सामने से आपको फ़ोन करते हैं, वो लोग वो नंबर प्रोवाइड करते हैं व्यापारी का, तो आप अपना नंबर देंगे तो वो लोग कंसल्ट करके वो लोग आपके बाग से खरीद के ले जाते हैं, और अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे जो भी हेल्प होगी हम आपको पपीता सेल करवाने में हम आपको मदद करेंगे। काफ़ी सारे युवा नए किसान या किसान जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे गेहूँ चावल का, वो उससे हट करके पपीते के बारे में सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आप उनको कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है और जानकारी न होने की वजह से हम लोग ट्रेडिशनल खेती के तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम आज के जो नए युवा किसान हैं हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि वो ये केमिकल खेती छोड़ के वो लोग जैविक खेती की तरफ आकर्षित हो। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें हो गई और आपसे रिक्वेस्ट है एक बार और कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सर्विस भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे समय दिया और इतनी सारी जानकारी मेरे साथ शेयर की। धन्यवाद।